जळगाव म्हटलं म्हणजे उन्हाळ्यात जळगावचे तापमान नेहमीच हे 45 पार असते. सध्या उन्हाळ्यात शाळा कॉलेजेसला जवळपास सुट्ट्या असून देखील वातावरण मरगळलेले असते. यात उन्हाळ्याच्या सुट्टीत वॉटर पार्कसारख्या ठिकाणी जायचे म्हटल्यास जळगाव जिल्हावासियांना आधी शिर्डी मुंबई याशिवाय कोणतेही पर्याय नव्हते. याचमुळे जळगाव ते शिरसुली रोडवरील असलेल्या झुलेलाल वॉटर पार्क सुरू करण्यात आले आहे. या झुलेलाल वॉटर पार्कला गेल्या 3 वर्षांपासून उदंड प्रतिसाद लाभत आहे. या ठिकाणी विविध वॉटर राईड, रेन डान्स, जलतरण तलाव यासह इतर सुविधा उपलब्ध झालेल्या आहेत. शिवाय वाजवी दरात अतिशय चविष्ट डिशेस देखील उपलब्ध झालेल्या आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया या संदर्भात संपूर्ण माहिती झुलेलाल वॉटर पार्कचे संचालक नीरज जेसवानी यांच्याकडूनच. आज जो पत्रकार परिषद यहाँ पे झूलेलाल वाटर पार्क रिसोर्ट में जो पत्रकार परिषद बुलाई गई है, उसका कारण ये है कि पहले तो हमारा आज तीसरा साल वाटर पार्क का स्टार्ट हुआ है, जो हम लोग सभी लोगों की तरफ यानी जलगांव कर जो भी वासियों के तक पहुंचाना चाहते हैं कि भाई ये वाटर पार्क डे एंड नाइट शुरू हो चुका है 25 तारीख से आपकी सेवा में, और हमारा एक नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है जिसको वेव पूल्स यानी लोग पूना मुंबई बाहर जाते हैं वेव पूल के लिए, तो यहाँ हमारा लगभग अभी कंप्लीट वाटर पार्क होने जा रहा है. कुछ गेम जोन्स बच्चों के, क्या है कि बच्चों के लिए कुछ नया, हर साल हम लोग सोचते हैं कि कुछ बच्चों के लिए नया चाहिए, तो इस साल हम काफ़ी सारे गेम्स ला रहे हैं बच्चों के लिए. रिस्पांस फर्स्ट पहले साल में कम से कम 25 से 30 हज़ार लोगों ने विजिट किया था, सेकेंड ईयर में 50 से 60 हज़ार लोगों ने विजिट किया था. इस बार मैं आशा करता हूँ कि कम से कम 70 से 80 हज़ार लोग विजिट करेंगे इस सीज़न में. लोगों को यहाँ पे आने के बाद यानी सर्विस के बारे में, जैसे आज जलगांव में कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ हम लोग अपना टाइम स्पेंड कर सके. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, लोग मूवी जाते हैं, मूवी जाने के बाद खाना खा के होटल से घर आते हैं. कम से कम यहाँ वाटर पार्क आएंगे तो सुबह से शाम तक उनको इंजॉयमेंट मिलता है, और हमारे यहाँ वेज फूड अवेलेबल है, हर प्रकार का फूड अवेलेबल है वेज में. तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि मूवी देखने जाते हैं 2.5 घंटे के लिए, और उसी बजट में अगर कोई वाटर पार्क आता है तो यहाँ बच्चों को फुल इंजॉयमेंट मिलता है. और आने वाले समय में अब ये वाटर पार्क पूरा साल शुरू रहेगा. लोगों के लिए खुशखबरी है कि पूरा साल ये वाटर पार्क शुरू रहेगा. इसमें हमारे यहाँ अभी एक शादी का शादी हॉल बनने जा रहा है, जिसमें हर किसी का सपना होता है कि हम लोग रिसोर्ट में शादी करें, पर बजट के हिसाब से कोई भी 20 लाख 25 लाख ऐसे बजट्स होते हैं, पर हम बहुत ही कम बजट में एक शादी का पैकेज ला रहे हैं. उस पैकेज के लिए हम जून तक कोशिश कर रहे हैं कि हमारा हॉल वगैरह सब रेडी हो जाए, तो फिर हम लोग उस पैकेज के बारे में जून या जुलाई फर्स्ट वीक में बताएंगे कि वो पैकेज कैसा रहेगा. बाकी मैं ये बताता हूँ कि पैकेज इतना अच्छा रहेगा जितना आप घर में अगर शादी करते हो जितना खर्चा आता है उसी बजट में हम आपको रिसोर्ट वाटर पार्क में शादी के लिए एक अवसर देंगे. प्री वेडिंग शूट हो सकता है यहाँ पे? यस सर, प्री वेडिंग शूट के लिए हम काफ़ी चीज़ें बना रहे हैं. प्री वेडिंग शूट भी ज़रूर जून से स्टार्ट होगा. सिक्योरिटी के लिए हमारे यहाँ पे बाउंसर्स हैं, प्लस हमारे यहाँ पे 30 से 35 लोगों का स्टाफ है. जो भी जैसे राइड्स होते हैं, राइड्स पे भी हमारी पूरी निगरानी रहती है, और हर जगह हम लोग खास कोशिश करते हैं कि हम फैमिली एंट्री दें, ताकि हमारे यहाँ पे नाइट में भी, हम तो ये सोचते हैं कि हम इतना दूर बैठे हैं पर नाइट में भी हमारे पास फैमिलीज आती है हमारे विश्वास पे, कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी उनको मिलती है. हम सिंगल पर्सन को जल्दी एंट्री नहीं देते, ड्रिंकर्स को एंट्री नहीं देते. ड्रिंक एंड ड्रिंकर्स नॉट अलाउड इन आवर वाटर पार्क.